हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके बीच शेयर करूंगा 2018 का F2 का एग्जाम पेपर जो कि आया था। कोर्स को पढ़ लेने के बाद आपको एग्जाम देना होता है, तो वो जो क्या था, वो कोर्स के पढ़ लेने के बाद जो एग्जाम आया था वो किस टाइप के क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट डाइवर्सिटी एंड लर्निंग, ये था आपका पेपर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट डाइवर्सिटी एंड लर्निंग का, आपको देख ही लो आप, 3 आवर्स का था, मैक्सिमम मार्क्स 70। 2018 को हुआ था ये, 11/5/2018 को। चलिए कोई बात नहीं, आपने ये सब चीज़ें देख ली। विल मीट, देखिए यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता आपको। आप अंग्रेजी हिंदी दोनों में आंसर्स कर सकते हो, लेकिन एक ही मीडियम होना चाहिए पूरे पेपर में, ये बोला गया यहाँ पे, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 हैव एन इंटरनल चॉइस, चॉइस है। चलिए देखते हैं क्या चॉइस है उसमें। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट आ गया आपका, फर्स्ट में भी चॉइस है। चलिए देखें यहां पे, बेस्ड ऑन द डिफरेंट थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड योर ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द एफओपी फील्ड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स, डेवलप अ कंपोजिट प्रोफाइल ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल लर्नर। तो ये क्वेश्चन था एक, तो पहला पार्ट। सेकेंड है, एक्सप्लेन द इश्यूज दैट एमर्ज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स इन अ सेकेंडरी क्लासरूम, ठीक है। थर्ड है आपका, ड्रॉइंग अपॉन द लर्निंग थियरीज एलोबोरेट ऑन द स्ट्रेटजीज दैट कैन फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन अ क्लासरूम। थोड़ा सा ब्लरी है, दिख भी कम रहा है ये वाला, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है प्लीज़ बेयर विद मी, ब्लर है ये वाला PDF, कोई बात नहीं। तो ये आपने क्वेश्चंस देख लिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। चलिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या क्या है। सेकंड में भी फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाई आर सम थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू एज स्टेज थियोरीज। कुछ थियोरीज स्टेज होती हैं, ठीक है, स्टेज वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड इज ऑल्सो डिस्कस द वर्क ऑफ एनी वन थियोरिस्ट हुम यू कंसिडर अ स्टेज थियोरिस्ट, जस्टिफाई योर चॉइस बाई ड्रॉइंग अपॉन योर आंसर टू पार्ट ए। जो भी आपने यहाँ पे बोला होगा उसके हिसाब से कोई थियोरिस्ट का नाम देना है आपको फिर, ठीक है। डू यू सी एनी लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग स्टेज थियोरीज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वैसे तो आप पढ़ोगे पियाजे वगैरह तो ये सारी चीज़ें इसी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया, आगे और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है आपके पास, अब यहाँ पे जो है आपके पास ये देखिए, ऊपर बोला गया था कि पहले क्वेश्चन को छोड़ के आपके पास बाकी क्वेश्चंस में जो है चॉइस मिलेंगे। तो अगर आपने सेकंड क्वेश्चन वो वाला ऊपर वाला पार्ट नहीं किया जो अभी डिस्कस कर रहा था मैं पियाजे वगैरह के बारे में, मतलब स्टेज थियरी थी कि भाई स्टेज में डेवलपमेंट होता है वो आपको कितना सच लगता है कितना क्या लगता है, तो उसके अगर मालूम वाला नहीं करे तो आप ये वाला कर सकते हो। फॉर अ टीचर द स्टडी ऑफ पियाजे इज एज इनकम्प्लीट विदाउट स्टडिंग दी वाइगोट्स्कियन पर्सपेक्टिव एज स्टडिंग कोल्सबर्ग विदाउट स्टडिंग गिलिगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, ड्रॉप ऑन द कॉन्ट्रास्ट इन पियाजे वाइगोट्स्की एंड कोल्सबर्ग गिलिगन टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स एज अ टीचर। तो ये आपको पढ़ना है और ये आपने पढ़े होंगे वाइगोट्स्की कहाँ चला गया, एक कोल्सबर्ग, पियाजे, ये पढ़ोगे गिलिगन तो आपको पता लगेगा इनके बारे में, फिर ये आसानी से जो है आप इसको अटैम्प्ट कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर अचीविंग सॉरी What are the characteristics of an underachieving student? तो ये आपको करना है, इसमें भी choice होगा मेरे हिसाब से, जी हाँ इसमें भी choice है, पढ़ेंगे आगे। चलो, How can a teacher distinguish between a slow learner and a underachiever? कुछ slow learner होते हैं, कुछ underachiever होते हैं, सबको तो एक पैमाने पे नहीं तोला जा सकता ना, तो इसके ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं, मतलब आंसर्स लिखने हैं। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू हेल्प एन अंडर अचीवर इम्प्रूव हिज हर परफॉर्मेंस। तो आप क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे इसमें, ये जो है आपको बताना है, ठीक है। एक मान लो कोई अंडर अचीवर है, उसकी परफॉर्मेंस को आपको बूस्ट करनी है, तो व्हाट द स्ट्रेटजीज यू वुड बी ऑप्टिंग, ठीक है। चलिए इसमें भी चॉइस है, मैंने कहा था जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के आपको सारे में चॉइस मिलेंगे, तो इसमें चॉइस है, व्हाट डज इट मीन फॉर यू एज अ टीचर टू हैव अ कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी होती है क्लास में, कोई अच्छा
अच्छे घराने से आया है, किसी का बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, किसी की मान लीजिए फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, किसी का वीक है, कोई मान लो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पढ़ने की सुविधाएं भी बहुत कुछ बता देती हैं, ठीक है। किसी के पास बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, किसी के पास उतने उतना भी नहीं होता कि बुक्स अफोर्ड कर पाए। प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब बात करनी है, व्हाट डज इट मीन फॉर यू एज अ टीचर टू हैव अ कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट कमिटमेंट इन योर क्लास रूम एंड स्कूल, सपोर्ट योर आंसर विद टू सुटेबल एग्जाम्पल्स ईच फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द क्लास रूम। तो ये इसको आपको जो है अटैम्प्ट करना है, काफ़ी बड़ा पेपर है वैसे देखा जाए तो। बाकी F1 आपका जल्दी ख़त्म हो गया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। डिस्कस द बेसिक अजम्पशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, प्रोवाइड थ्री इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थियरी फॉर अ क्रिएटिव ह्यूमनिस्टिक एनवायरमेंट इन स्कूल्स, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है कि क्या रोल है, सॉरी, डिस्कस द बेसिक अजम्पशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, वो क्या होना चाहिए, मानवतापूर्ण जो एक रवैया होता है सिखाने का वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन क्लासरूम, ये आपको डिस्कस करना है इनके हिसाब से, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, ठीक है। वो नहीं कर रहे तो ये वाला क्वेश्चन भी है, कंपेयर द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल व्यूज ऑफ लर्निंग, इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग, डिस्कस इट्स क्लास रूम इम्प्लीकेशन यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। किस टाइप से जो है करना है, हमें कंपेयर करना है कॉग्निटिव और बिहेवियरल व्यूज ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है आपके पास, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड टेक्स्ट बुक फ्रेमिंग, द यूनिवर्सल वर्सेज कॉन्टेक्स्चुअल डिबेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हम कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट एक मैटर करता है, ये कहते हैं कि नहीं सब बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेंगे, ऐसे यूनिवर्सली सब कोई बढ़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, कोई कहता है कॉन्टेक्स्ट का बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, जैसे आपने तो पढ़ा ही होगा वैसे, इसमें क्या मानने का क्या है, एक को मान लो माल न्यूट्रिशन है एक को, तो वो कम ग्रोथ होगी ना उसकी बॉडी में भी, अगर सिंपल हम बॉडी ग्रोथ की बात करें तो थोड़ी ना यूनिवर्सल होगी फिर वो। नेक्स्ट इज मल्टीपल एडोलसेंस सिंस इन इंडिया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल लर्निंग थियोरी, इसके ऊपर भी आपको नोट लिखना है, आपको एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं, बस यही है इसमें, और यहाँ पे जो है आपका पेपर ख़त्म हो जाता है F2 का। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा, आप हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। ये वाला भी नोट कर लो अगर आप करना चाहते हो तो, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से कि हिंदी में नहीं आप दिखा रहे सर बता नहीं रहे, तो ये भी आप नोट कर लो एक बार, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर F2 पेपर 2018। आई विल बी शेयरिंग द नेक्स्ट पेपर 2019 F2 पेपर F1 पेपर F3 पेपर एवरी पेपर आई विल बी शेयरिंग P1 P2। सो बी प्रिपेयर टू जॉइन दिस जर्नी विद मी, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा इसी में बीच में, ठीक है। जितना मेरे से हो पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, बट एनी वेज जो भी प्रोवाइड होगा नोट्स वगैरह जो भी मिलेंगे मेरे को, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट विद यू गाइज, शेयरिंग विद यू गाइज, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ थैंक यू।